मेरा ताल्लुक बिहार के एक ज़िला है अररिया, वहाँ से है। हम लोगों की हमारा जो परिवार था वो गांव में रहता था। हमारे पास बड़ी खेती हुआ करती थी और मैं शुरू के 7वीं क्लास तक गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद अररिया तब एक सब डिवीज़न हुआ करता था पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे एक स्कूल में मैंने हाई स्कूल यानी 10th तक पढ़ाई की है। और उसके बाद मैं पटना में साइंस कॉलेज पटना, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ। और उस ज़माने में बिहार की जो मेरिट लिस्ट थी उसमें मेरा नाम था और वहाँ पे मैंने प्लस टू किया। उसके बाद मैंने स्ट्रीम चेंज कर लिया और हम पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी में जो है, हमने वहाँ से ग्रेजुएशन किया ज्योग्राफी से। और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था तब सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हमने दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैंने सिविल सर्विस 1997 में ज्वाइन कर लिया। अगर आप देहातों की और गांव की लाइफ को ध्यान से देखिएगा तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी और इनजस्टिस दिखाई पड़ेगा। हमारा सिस्टम अभी भी पूरा जस्ट नहीं है, एक्सप्लॉटेशंस होते हैं बहुत सारी जगह पे, फ्यूडल सेंटिमेंट्स हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है, उनको उनका हक नहीं मिलता है। तो शुरू में देहातों में रह के, छोटे शहरों में रह कर के ये जहन में ख़्याल आता है कि हमने उस सिस्टम को ज्वाइन करना चाहिए जिसमें कि किसी हकदार को उसका हक दिलाने में हम मदद कर सकें, उसके आंसू हम पोंछ सकें, उसके चेहरे पे खुशी ला सकें, उसके ज़िंदगी में जो दर्द और दुख है उसको हम कुछ कम कर सकें। तो मुझे लगता है कि पुलिस एक ऐसा महकमा है जिसमें आकर आप ये चीज़ें दूसरे डिपार्टमेंट के मुकाबले में और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मेरे जहन में ये ख्याल शुरू से रहा कि मैंने पुलिस सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए। एक लंबा सफ़र है। हमारी जो ट्रेनिंग होती है जिसको डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहते हैं, वो मैंने शोलापुर रूरल वहाँ पे पूरी की। ट्रेनिंग के दरमियान आप अलग अलग चार्जेस करते हैं जिसमें पुलिस स्टेशन का भी चार्ज होता है जिसको आप थानेदार कहते हैं, उसका भी 3 महीने चार्ज करना पड़ता है। अक्कलकोट करके एक जगह है शोलापुर में, बहुत मशहूर है क्योंकि स्वामी समर्थ जी का वहाँ पर मंदिर है। मैं वहाँ पर थानेदार था। उसके बाद मेरी रेगुलर पोस्टिंग जलगांव डिस्ट्रिक्ट में एक सब डिवीज़न है अमलनेर, वहाँ पे हुई। अपना वहाँ का पूरा टेन्योर करीब 2 साल का मैंने पूरा किया। उसके बाद प्रमोशन हमारा आ गया और 2001 में मुझे एंटी नक्सल ऑपरेशन में एडिशनल एसपी बनाकर गढ़चोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक छोटा सा देहात है 120 किलोमीटर दूर गढ़चोली से, अहेरी, वहाँ पर भेजा गया। और वहाँ पे मैंने करीब 1.5 साल काम किया जब तक मुझे डिस्ट्रिक्ट का चार्ज नहीं मिला एंटी नक्सल ऑपरेशन में। उसके बाद मैं एसपी सिंधुदुर्ग का काम मैंने किया है, मैं एसपी वर्धा भी रहा हूँ। मैंने स्टेट रिज़र्व पुलिस के 2 बटालियन ग्रुप 11 जो कि उस ज़माने में गोरेगांव में हुआ करता था, और ग्रुप 4 नागपुर, वहाँ पर भी काम किया है। मैंने डिप्टी कमिश्नर के तौर पर सेंट्रल रेलवे, जिसको सेंट्रल रीजन कहते हैं, वहाँ पे काम किया है। मैंने डिप्टी कमिश्नर मुंबई सिटी में करके काम किया है और पोर्ट जोन को का मैंने चार्ज संभाला है। मैंने पिछले करीब करीब 3 सालों से यहाँ पे एडिशनल पुलिस कमिश्नर ईस्टर्न सबर्ब के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ। इसके अलावा हमने 2 इलेक्शन में, यूपी का 2007 का इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन राजस्थान में 2009 में, वहाँ पे फोर्स कोऑर्डिनेटर के तौर पे करीब 1,500 पुलिसमैन को हम लेके गए, हमने इलेक्शन में भी वहाँ काम किया। इसके अलावा जो एक महाराष्ट्र पुलिस की डेलीगेशन जाती है
लद्दाख हॉट स्प्रिंग में, उसको भी मैंने लीड किया है सीमाई इलाकों के जी। तो इस ढंग से एक लंबा सफ़र रहा है और इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे। करीब करीब स्टेट के हर इलाके में काम कर लिया हमने और मेरी पोस्टिंग्स तो 700-800 किलोमीटर दूर दूर की रही है। मैं जलगांव से गढ़चौली गया, गढ़चौली से मैं सिंधुदुर्ग गया, सिंधुदुर्ग से मैं बॉम्बे आया, फिर यहाँ से वर्धा गया और फिर वापस नागपुर और फिर वहाँ से मुंबई। तो स्टेट को देखने का पूरा मौका मिला, इसके अलग अलग इलाकों में काम करने का मौका मिला है, तो एक इनरिचिंग एक्सपीरियंस ये रहा है जी। इसमें कोई शक नहीं है कि गढ़चौली में जो पुलिसिंग है और ख़ासतौर से जो एंटी नक्सल ऑपरेशन की पुलिसिंग है, वो जो रेगुलर पुलिसिंग है उससे बहुत अलग है। बिल्कुल। जब आप एंटी नक्सल ऑपरेशंस में जाते हैं तो आप और आपके कांस्टेबल के दरमियान जो ट्रस्ट का बंधन होता है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। आप उसकी वेवलेंथ पे होने चाहिए, वो आपके वेवलेंथ पे होने चाहिए, इशारों को समझते आना चाहिए और वहाँ जो टीम वर्क की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरा हेडक्वार्टर ख़ुद एक ऐसे जगह पे था जो एक गांव था और उस वक्त मेरे पास 20 पुलिस स्टेशन या सब पुलिस स्टेशन या आर्म्ड आउटपोस्ट हुआ करते थे और वहाँ पे लीडरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि हमारे बहुत सारे पुलिस स्टेशन ऐसे जगहों पर हैं जहाँ पीने का पानी भी ठीक से अवेलेबल नहीं है, जंगलों के दरमियान हैं और उनको लेकर के जब आप ऑपरेशंस में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, तो आप अपना सामान साथ में लेकर चलते हैं, आपके वेपन्स आपके साथ में होती हैं और पैदल चलते हैं आप, और जहाँ पे भी आपको डाउट होता है आप उस पूरे इलाके को चेक करके वेरीफाई करके चलते हैं। यह हो सकता है कि कभी आप पे फायर आ जाए, आपको इनकाउंटर से मुकाबला करना पड़े, कभी यह भी हो सकता है कि आपको चेस करना पड़े। और आप जब देहातों में जाते हैं 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर पैदल चलकर, तो शायद 50 लोगों का एक गांव होगा और उनकी लाइफस्टाइल, उनकी विचारधारा, उनकी समझ, उनका एक्सपोज़र, उनका कल्चर शायद आप जो समझते होंगे उनसे बहुत अलग है जी, और उनको कन्विंस करना, उनको अपने तरफ मिलाना, उनको गवर्नमेंट के सपोर्ट में लेके आना एक बड़ा चैलेंजिंग काम है। एक ऐसे जगह पर जहाँ पहुँचना आसान नहीं है और जहाँ अभी भी रिसोर्सेज का बहुत अभाव है और वहाँ पे आप कोई प्रिडिक्टेबल मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आप एक मूवमेंट बार बार कर रहे हों तो इसका मतलब है आप ख़तरे को दावत दे रहे हैं। इसीलिए कभी हमारा मूवमेंट लेट नाइट में होता था, कभी अर्ली मॉर्निंग में होता था, कभी कई कई किलोमीटर आप पैदल चलते हैं। और जब आप पोस्ट पर जाते हैं तो मैं एक उसूल के तौर पर एज ए मैटर प्रिंसिपल मैं रुकता था रातों को वहाँ पे, क्योंकि जिन हालात में हमारे कांस्टेबल्स रह रहे हैं, हमारे ऑफिसर्स रहे हैं, उन हालात में मैंने भी रहना चाहिए ताकि उनको ये लगे कि हाँ, मतलब ये सिर्फ आके कुछ हमें भाषण देके नहीं जाते हैं बल्कि हमारे साथ हैं। हमने उनके साथ पेट्रोलिंग पे जानी चाहिए, उनके जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस मैंने खुद फेस करना चाहिए। और बहुत बार ऐसा हुआ कि हम नदियों को क्रॉस करके गए हैं, हम जंगलों में 2-2, 3-3 दिन तक हमने कैंप किया है और हम लोगों ने बिस्किट पे गुजारा किया है या जहाँ जो मिल जाए, कभी बार नदियों का पानी भी पिया है। तो और उसमें टैक्टिकल मिस्टेक आप नहीं कर सकते हैं, जैसे अगर पत्ते गिरे हुए हैं और उस पर आप पैर रखने से आवाज़ आ रही है तो आपको उससे दूर होकर चलना पड़ेगा। जो रास्ते हैं रास्तों से दूर होकर चलना पड़ेगा क्योंकि मालूम नहीं कहाँ माइंस हैं। तो वो एक बड़ा चैलेंजिंग और बहुत इनरिचिंग एक्सपीरियंस था। उसने ना सिर्फ कि हमें टैक्टिक्स स्ट्रैटेजी बल्कि ह्यूमन रिलेशंस के बहुत सारे एंगल सिखाए और ये बताए कि सही लीडरशिप कैसे की जा सकती है।
Jeans. Realty. Infrastructure. Hospitality. Ports. Welcome to the Hex Way of Life. HexCorp, celebrating growth. चैलेंजेस तो बहुत सारे आते हैं, जैसे मैं अभी आपको नक्सली एरिया के बारे में बता रहा था। हमने वो वक्त भी देखा है जब गोलियों की आवाज़ हर तरफ से आती थी जी। हमने इनकाउंटर में अपने लोगों को शहीद होते देखा है। हमने वो दौर भी देखा है जब शायद ज़िंदगी और मौत के दरमियान बहुत छोटा सा फासला था। लेकिन एक जो आपके अंदर कन्विक्शन रहता है कि हम सही पे हैं, हम सही काम कर रहे हैं, हम सच की तरफ से लड़ रहे हैं और अंततः हमारी जीत होगी, ये एक कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने, मैं एस पी सिंधुदुर्ग था, वहाँ पे एक मेजर पॉलिटिकल राइट हमने देखा है जब दो ग्रुप के दरमियान बहुत मेजर कन्फ्लिक्ट हुआ और लोगों ने एक दूसरे को बहुत बेरहमी से मार दिया, लोगों के घर जला दिए और पूरा माहौल बहुत ही चार्ज था। उसको कंट्रोल करना, उसको कंटेन करना, वहाँ पे नॉर्मलसी रीस्टैब्लिश करना और देहातों में जो कन्फ्लिक्ट फैल जाते हैं उनको रोकना, वो चैलेंजेस भी हमने देखा। हमने रेगुलर क्राइम के अलावा एंटी पायरेसी ऑपरेशंस जो हुए जी, जिसमें कि एक बिल्कुल अलग से मुल्क से आप एक्यूज को पकड़ते हैं, सोमालियन होते हैं जिनको आपकी भाषा नहीं आती, जो आपसे हर किस्म से बहुत सारे अलग हैं, जो बहुत डेडली वेपन लेके चलते हैं, रॉकेट लॉन्चर हो, AK-47 हो, जो नेवी या कोस्ट गार्ड पर अटैक करते हैं, फिर इनको इंट्रोगेट करना, उनसे इंफॉर्मेशन निकालना, तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना, वो एक बड़ा चैलेंज रहा है। और पुलिसिंग में चूँकि मैं मानता हूँ इस बात को कि हमने जनता के लिए एक्सेसिबल रहना और जनता से सलीके से, तमीज़ से, तहजीब से बात करना ज़रूरी है, तो उस वजह से आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे जो अपनी मुश्किलें, अपनी दुश्वारियाँ, अपनी समस्याएं आपको बताएंगे और जब आप उनको सुनोगे तो ह्यूमन रिलेशंस के अलग अलग पहलू आपके सामने आएंगे। इतने कॉम्प्लिकेशंस आप देखोगे और इतने इनजस्टिसेस आपके सामने आएंगे कि आपको लगेगा कि क्या हम इसीलिए इंसान हैं और ये इंसान कहलाते हैं कि हम इस किस्म का बिहेव करते हैं। वहाँ ना सिर्फ कि आपकी लीगल नॉलेज इम्पॉर्टेंट हो जाती है बल्कि आपकी काउंसलिंग स्किल, आपकी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, आपका फर्मनेस कैरेक्टर का और आप अपने इमोशन को काबू में रख के सोल्यूशन कैसे उसका निकाल सकते हैं, इन तमाम कैपेबिलिटीज़ को सामने लाना पड़ता है। जब भी कभी ऐसे कभी हालात आएँ तो मुझे याद आता है कि जिगर मुरादाबादी
उर्दू के बड़े कवि हुए जी बिल्कुल, उन्होंने एक बार कहा था उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो हमेशा हमने कोशिश ये करनी चाहिए कि मेरा काम क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैंने उस पर कायम रहना चाहिए, उस पर अडिग रहना चाहिए और हमने वो काम करना चाहिए जो मुझसे एक्सपेक्टेड है करने के लिए। ज़िंदगी बहुत लंबा सफ़र है, ज़िंदगी में हर किस्म के एक्सपीरियंसेस आएंगे, खट्टे मीठे। तो आप जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं शायद आपको उनसे भी पाला पड़े जी। और क्राइसिस आपके लाइफ में आएंगे बिल्कुल, लेकिन ये है कि आदमी की कैरेक्टर की सही पहचान इन्हीं क्राइसिस में होती है बिल्कुल। तो उसको समझ करके अगर आप आगे चलेंगे तो मुझे लगता है कि आपका जहन, आपका दिमाग, आपका ज़मीर, आपके अंतरात्मा वो बिल्कुल सुकून से रहेगी, आपको अच्छी नींद आएगी और आपके मन में एक फुलफिलमेंट का जज्बा आएगा, एक फीलिंग आएगी। और जब आप कभी पलट कर देखिएगा गुजरे हुए वक्त को तो आपको ये लगेगा कि मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की, कामयाबी या नाकामी बहुत वक्त आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन आपने अपनी तरफ से अगर कोशिश कर ली तो कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत पहले गालिब ने कहा था कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना कि हर काम आसान हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हर आदमी इंसान बन जाए ऐसा नहीं ही होता है। तो चूंकि पुलिस जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव है माइक्रोकॉस्म में सोसाइटी का, तो समाज में जो टेंडेंसीज हमको दिखेंगी, समाज में जिस किस्म के लोग होंगे वैसे ही लोग पुलिस में भी हमको नज़र आएंगे, कम ज़्यादा हो सकता है। तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि हमारी समाज में जो अच्छाइयाँ हैं वो अच्छाइयाँ भी डिपार्टमेंट में दिखेंगी और अगर कुछ बुराइयाँ हैं तो कुछ लोगों में वो भी चीज़ें हो सकती हैं। नहीं, मेरे घर में या मेरे ख़ानदान में पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला रहा जी। लोग टीचिंग प्रोफेशन में ज़्यादा गए और पुलिस में आने वाला मैं पहला ही आदमी हूँ। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे ये कहा जी कि बेटा काम वो करना कि तुमको कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। वाह। और मुझे याद है जब मैं 10th पास करके पटना जा रहा था जी आगे की पढ़ाई के लिए, तो मेरे फादर आए बस स्टैंड पे और उन्होंने मुझे यही कहा कि तुम जिम्मेदार आदमी हो, अब के बाद मैं तुमको कुछ पूछूंगा नहीं जी। लेकिन मुझे पूछने की नौबत आए ऐसा कुछ कभी करना नहीं। और मुझे लगता है कि उनकी वो बात आज तक याद है हमको और हमेशा मैं इस चीज़ को सोचता हूँ कि मैं अगर अपने बड़ों के सामने जाऊँगा तो मैं उनको क्या बताऊँगा। और अगर ये चीज़ आपके ध्यान में रही और थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि हमारा जो कल्चर है और हमारे जितने भी धर्म हैं वो हमको जस्टिस करना सिखाते हैं और वो इस चीज़ को बताते हैं कि सबसे बड़ा जो जज है वो आपकी अंतरात्मा है, आपका ज़मीर है। आप आंखें बंद कीजिए, अपने आप को खुद सवाल कीजिए क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। और मुझे बार बार याद आता है कि हम लोग जब पढ़ रहे थे तो जो NCERT की किताबें हैं उसमें फर्स्ट पेज पे एक गांधी जी तलिस्मान करके एक पेज का एक छोटा सा नोट हुआ करता था जिसमें गांधी जी ने यह कहा था कि जब दिन भर का काम आप ख़त्म कर लो और सोने जाओ तो आंखें बंद करके सोचो दिन भर में आपने जो काम किया उससे इस देश का सबसे कमज़ोर आदमी को कुछ फ़ायदा हो सकता है क्या। अगर ऐसा आपने कोई काम किया दिन भर में जिससे उसकी ज़िंदगी में कोई रोशनी की किरण आए तो आपका दिन वो सक्सेसफुल है, कामयाब है, नहीं तो वो दिन बेकार गया। मुझे लगता है कि वो टेस्ट अगर हम करते रहें, इंट्रोस्पेक्ट करते रहें तो हम सही रास्ते पे चलते रहेंगे और हमारे मन में जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए एक इज्जत का जज्बा हमेशा रहेगा।
Bike Ideas for Men and Women. देखिए, शायरी दरअसल जो आप फीलिंग्स देखते हैं, रेंज ऑफ इमोशंस देखते हैं लोगों का, उसके ट्रांसलेशन का काम है जी। ये डिपार्टमेंट ऐसा है जिसने मुझे इतना एक्सपोज़र दिया जी। अलग अलग टाइप के ह्यूमन इमोशंस को बहुत नज़दीक से देखने का जी। हमने ट्रस्ट को देखा, हमने बिट्रायल को देखा, हमने रिश्तों को बनते बिगड़ते देखा है, रिश्तों की नज़ाकत को देखा है। तो जब इतनी सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी तो आपके जहन में कुछ ख्याल आएगा, उस ख्याल को एक सलीके से पेश करना ही शायरी का काम है। इसके अलावा लिटरेचर या पढ़ाई एक कैथार्टिक एक्सपीरियंस है। अगर आप अपने आप को इन चीज़ों में डालिएगा और बिज़ी रखिएगा तो ना सिर्फ कि आपका ग्रोथ एज ए पर्सन होगा बल्कि आपकी समझ भी बढ़ेगी चीज़ों पे, इश्यूज़ पे, और आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा मैच्योर होगी, तो चीज़ों को समझने का आपका जो इस रेंज है वो बढ़ जाएगा।
मैं कुछ बातें सामने रखना चाहूँगा। एक तो ये है कि इस डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है। आप अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुँचाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एम्पैथी, कि हम किसी से बिहेव कैसा करते हैं। हो सकता है मेरे लिए ये चीज़ नई ना हो, मेरे सामने जो लोग आते हैं उनके लिए नई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस स्टेशन जो हमारा कटिंग एज लेवल है, वहाँ पे जब कोई आदमी आता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ होता है ज़्यादातर, या तो उसको किसी ने मारा होता है, उसको चोट लगी होती है, या उसका कोई सामान किसी ने चोरी कर लिया होता है, या उस पर कोई अन्याय हुआ होता है, उसके लिए वो एक्सपीरियंस नया होता है। लेकिन जो ऑफिसर वहाँ पे उसकी शिकायत दिख रहा है, हो सकता है दिन में उसने 25 ऐसे एक्सपीरियंसेस पहले फेस किए हों, तो उस वजह से लैक ऑफ सेंसिटिविटी का एक इशू आता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन जो आदमी हमारे पास आता है उसको काउंसिल करना, उससे तमीज़ से बात करना, उसको प्यार से बिठाना, उसको एक ग्लास पानी पिलाना और पेशेंस से उसको डील करना, मुझे लगता है कि हमारे बिहेवियर में रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये हमारे बिहेवियर में नहीं रहा तो लोगों को बहुत ज़्यादा डिसअफेक्शन होगा, तो जो ज़्यादा शिकायत ज़्यादा होती है वो इसलिए होती है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा बिहेवियर लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि जो समाज का डिसएडवांटेज तबका है वहाँ तक हमको पहुँचना बहुत ज़रूरी है। फिर वो डेस्टिट्यूट हो, गरीबों का मोहल्ला हो, झुग्गी झोपड़ियाँ हों, वो दलित की बस्तियाँ हों, वो माइनॉरिटी की बस्तियाँ हों, माइग्रेंट की बस्तियाँ हों, जिनकी आवाज़ नहीं है, वहाँ तक हमको पहुँचना चाहिए और वो इनिशिएटिव हमने खुद लेना चाहिए। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हैव और हैव नॉट के कन्फ्लिक्ट में हमने जो पावरफुल है उसका साइड तभी लेना चाहिए जब वो जस्टिफाइड है, और हमने अपनी बात को इस ढंग से रखनी चाहिए कि वो लॉजिकल हो, वो रीज़नेबल हो। और हम में से अगर किसी ने कोई गलती की है तो हमको इसका इकरार करना चाहिए कि यहाँ हमसे ये गलती हुई है, वो इंसान ही क्या है जिसे गलती ना हो। लेकिन यह है कि वो गलती मालाफाइड नहीं होनी चाहिए, वो बोनाफाइड होनी चाहिए और हमको उसको करेक्ट करने का हौसला होना चाहिए। गलती छुपाना और गलती को जस्टिफाई करना मुझे लगता है कि उससे बड़ी गलती है। हमको अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए और हमको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। एक जो एक बुरी बात मैं देखता हूँ कई जगहों पर वो ये है कि जो आपकी नौकरी है, आपका जो काम है, वो सर्विस है। और हमेशा दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि एक दिन आपने ये कुर्सी खाली करनी है और आप रिटायर होकर वापस उसी समाज में जाओगे जहाँ से आप आए हो। उस वक्त आपके साथ कोई इस किस्म से बिहेव करे जो आपको अच्छा ना लगे, तो उसको रोकने के लिए मुझे आज से ऐसा बिहेव करना चाहिए जो उस वक्त मुझे एक्सपेक्टेड है दूसरे ऑफिसर से। तो अगर हमने इन चीज़ों को ध्यान में रखा तो मुझे लगता है कि हमारा बिहेवियर सही रहेगा। और हमने हमेशा इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम जिससे इंटरेक्ट कर रहे हैं उससे मैसेज क्या जाएगा समाज में।
देखिए, जो सफ़र मेरा काफ़ी लंबा रहा है जी तो एक्सपीरियंसेस भी बहुत रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे केसेस ऐसे आए, जी चाहे वो मर्डर के केसेस हों, चाहे प्रॉपर्टी ऑफेंसेस के केसेस हों, चाहे वो विश्वासघात के केसेस हों, जिसने हमें ये सिखाया कि जो दिखता है वही सच है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक दूसरी बात इसने ये सिखाई कि हर वो चीज़ जो कि इस केस के इन्वेस्टिगेशन में आपके सामने आते हैं, उसको आप सवाल करो, ऐसा ही क्यों है। तीसरी बात जो हमने सीखी कि कोई भी रिश्ता जो है वो 100% कमिटेड है, इसको कभी मान के मत चलो। हर चीज़ के लिए प्रूफ देखो, साइंटिफिक प्रूफ, लॉजिकल प्रूफ, और तब जाके उसको विश्वास करो, तब जाके उस बात को मानो। जो जिस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं आ रहा है, जिस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं आ रहा है, उस चीज़ को मत मानो। चाहे वो आपका मन कितना ही कहे कि नहीं ये ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन आप उसको मत मानो। हमने फैमिलीज़ में डिस्प्यूट देखा है, फैमिलीज़ में मर्डर्स होते हुए देखा है, झगड़े की वजह से, ग्रीड की वजह से, गुस्से की वजह से, तानों की वजह से। हमने अंधा विश्वास करते हुए देखा है और उसको टूटते हुए देखा है। हमने ह्यूमन रिलेशंस के इतने एंगल देखे हैं अपने अलग अलग केसेस के इन्वेस्टिगेशन में कि अब ये लगता है कि जब तक मैं किसी चीज़ को जड़ तक ना पहुंच जाऊं, मुझे उसको फैक्ट मान करके चलना शायद सही नहीं है। मैं कहना चाहेंगे कि पुलिस आपकी सेवा के लिए है और ये समाज की सेवा के लिए है, और कोई भी एक्शन जो पुलिस करती है उसका लॉजिक पूछना, उसका रीज़न पूछना, ये आपका हक है और आपने उसको इस्तेमाल करना चाहिए, उसको यूज़ करना चाहिए। वायलेंस वहाँ होता है जहाँ लॉजिक ख़त्म हो जाता है, जहाँ रीज़न ख़त्म हो जाता है, और हम अपनी बात कन्विंस किए बिना, हक पे रहे बिना दूसरे पे इम्पोज करना चाहते हैं। तो हमेशा इस बात को मान के चलिए कि जहाँ पे वायलेंस है वहाँ इनजस्टिस है, जहाँ पे आपकी बात का कोई जवाब नहीं मिल रहा है वहाँ कुछ ना कुछ छुपाने के लिए है। एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि पुलिस कोई अलग चीज़ नहीं है, ये आपके समाज का एक हिस्सा है। हम यूनिफॉर्म पहने हुए सिविलियन हैं और आप बिना यूनिफॉर्म के पुलिसमैन हैं। हमारी जिम्मेदारी समाज को सुरक्षित रखने की है, आपकी भी है, और इसके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ों को हमने ध्यान देना चाहिए। एक बहुत मशहूर सेइंग है जिसको US में बल्कि एक प्रोग्राम बना लिया गया है, इफ़ यू सी समथिंग से समथिंग। कोई भी चीज़ हमको अगर अनयूजुअल दिखाई पड़ रही है कहीं पे, तो मैंने सवाल पूछना चाहिए ये चीज़ यहाँ क्यों है। अगर हम इस ढंग से थोड़ी सी अपनी सुरक्षा पे ध्यान दे देंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा शहर और हमारा समाज सुरक्षित हो जाएगा।